यहाँ से आप ट्रेकिंग कर सकते हैं केदारकंठी तक। स्विमिंग पूल है, यहाँ पे पानी नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। नमस्ते नमस्ते फ्रॉम पहाड़। तो कैसे आप सभी लोग, मैं एकदम बढ़िया हूँ। और आज मैं गुराड़ी गांव से दूसरे गांव में जा रही हूँ। यहाँ के जो लोकल गांव है वो घूमने वाले और देखने वाले हूँ कि वहाँ पे क्या क्या होता है। और पास में यहाँ पे एक गांव है जहाँ पे मंदिर है, तो मैं वो भी घूमने वाली हूँ और आप सभी को दिखाने वाली हूँ। तो ये ब्लॉग बहुत मस्त रहने वाला है, पूरे ब्लॉग में जुड़े रहिए। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। पहले एक्सप्लोर करने के लिए हम आए, कौन से प्लेस है भैया? हल्टुआड़ गांव। मेरे साथ यहाँ पे भैया, और भैया एक्सप्लोर करवा रहे। भैया दिख तो लो जरा। हेलो कैसे हो आप लोग? तो भैया ही घुमाने वाला मुझे पूरा। भैया ये तो बता दो कौन सी पट्टी बोल रहे थे आप? ये शिकतूर पट्टी हमारी। हाँ, ये हमारी दर्ज मतलब इधर ये हल्टुआड़ी गाँव पड़ता, फिर यहाँ से केदारकंठे मतलब ट्रेक कर सकते हैं आप। कोई यहाँ से पास है? पास है, नजदीक, सबसे ज्यादा नजदीक यहाँ से पड़ेगा आपको। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं सुंदर से गांव को। ये इधर चौहान जी को क्या चाल है? चौहान जी, ये लास्ट रूट है, मतलब गाड़ी यहीं तक आती है? हाँ, पार्किंग यहीं तक लास्ट। अच्छा, आपको यहाँ से आप ट्रेकिंग कर सकते हैं केदारकंठी तक। बूटी मिलेगी, सब नहीं मिलेगा कि रास्ता बेकार होगा, अच्छा रास्ता मिलेगा। प्लान इसी गाँव से चलता है, आपकी जो रोड आती है हमारी रोड यही तक है। इससे आगे आपको पैदल मार्क करने पड़ेगा केदारकंठी तक। हमारा ढाबा है मेरा, यहाँ पे चाय मिलती है, कॉफी मिलती है, बंद ऑमलेट मिलता है, बंद मस्का मिलता है, हर चीज मिलती है। मतलब यहाँ पे बेकिंग चीज में यहाँ पे मिल जाएगा। आप हमारी ये कंपनी ये वाली है, अभी हॉस्टल वाली है। हाँ जी, वो भी यहाँ से निकल रही है ट्रेकिंग, केदारकंठी की ट्रेकिंग यहाँ से करते हैं। आजकल जा रहे हैं? जी जा रहे हैं, अभी दो ग्रुप यार 60-70 का आदमी गया अभी यार। नहीं पे हो यार, दो तीन। अच्छा, का गुरु हमारा ये उस वाला गया है। हाँ, हॉस्टल वाला। अच्छा, 20-25 आदमी हमारी डेस्क वाले गए। अच्छा, 50 लोग जा रहे हैं अभी यहाँ से। डेस्क भी इधर से जा रहे? जी जी जी, यहाँ परमानेंट चलती है ये हमारी। तो ये लास्ट रूट है, यहाँ पर गाड़ी पार्क करके सब लोग यहाँ से पैदल जाते हैं। और ये यहाँ पे छोटा सा ढाबा है, यहाँ पे आपको खाने के लिए सारी चीजें मिल जाएगी। तो फिलहाल इस गांव में घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। यहाँ पर अभी भी पुराने घर है, एकदम मस्त। अभी हम लोग पहुंचे हैं सुलचान गांव में। तो यहाँ पर श्री दानवीर करण महाराज जी आजकल रहते हैं, और इसी घर में आजकल महाराज जी है। तो हम लोग दर्शन करने के लिए आए हैं यहाँ पे। महाराज जी की बहुत मान्यता है, जैसे हमारे यहाँ चार मासूम महाराज जी की है जौनसार बावर में, वैसे यहाँ पे श्री दानवीर करण महाराज जी की यहाँ पे मान्यता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे दर्शन करेंगे, अभी पूजा का टाइम है तो पूजा भी होगी, हम पूजा देख के जाएंगे। और यहाँ पे सभी लोग पूजा के टाइम में पूरा गाँव आ जाता है मंदिर के पास। पूजा खत्म होने के बाद हम लोग यहाँ पे करते हैं कुछ फोटोशूट।
अभी यहाँ पे पूजा हो गई और पूजा के बाद हम लोग फोटो शूट कर रहे हैं। यहाँ पे सब लोग हैं, आप सब गाँव के यहीं पे गाँव के आप लोग। हाँ अच्छा, सारी औरतें जो इकट्ठी हो जाती उस दिन मेला बनता है, मेला जुड़ता है, मतलब इस टाइम के लिए इकट्ठी हो जाती है। अच्छा, और लगाते डांस करते मैं तो सबसे पहले आ जाती हूँ। सब महिलाओं जब मैं इकट्ठी करती हूँ तब सब महिला इकट्ठी हो जाती है। बढ़िया लगा सबके मिल के तो सबसे मिलके ना बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ पे ना इतने अच्छे लोग थे ना, मस्त एकदम मज़ा आ गया। और सभी कह रहे थे कि आज यहीं रुक जाओ, महाराज जी भी है, लेकिन हमको वापस जाना है क्योंकि कल और दूसरी जगह जाना है, तो एक जगह नहीं रुक सकते। तो फिलहाल बहुत मज़ा आ रहा है। हाय कर दो सब। ये सब सब मेरे से पहले उठ गए। हाय, क्यों तो क्यूट लग रहा है। सो अभी मैं नहा ली हूँ और नहा के रही थी, ठंड लग रही है यहाँ पे सुबह से भाई। और अभी 11 बज रहे दिन के, अभी थोड़ी सी यहाँ पे धूप आ रखी है। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घूमने के लिए कोटगांव और शाखरी। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, सभी बैठे हुए हैं भाई। हाँ आ गई, यहाँ देखो सब बैठे हुए। चलो 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 गाइस, हम चले निकल पड़े हम कोटगांव सांकरी की ओर। ओके भाई, यहाँ पे मौसी और सब बैठे हुए कल शाम को। हाँ तू कोटगांव पहुंच गए और यहाँ पर एक लोकल स्विमिंग पूल है जिसको ढूंढने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और अभी थक गए मैं तो रोड से थोड़ा सा आगे चल के आना होता है और फिर चढ़ाई इधर भयंकर वाली, और उसके बाद पहुंचेंगे वहाँ पे। मेरे साथ वाले सब चले गए, बस भैया है आगे। तो यहाँ से सामने दिख रहा है कोटगांव, अभी जाएंगे वहां पर भी। ये पार दिख रहा सामने हिमालय, हिमालय ये वाले इधर, ये सारा ही मतलब उसमें आता। चलो फिर इधर चलो, हम चले अभी लोकल लोकल क्या उसका नाम स्विमिंग पूल ढूंढने। ये रास्ता हमारे साथ ही का है, हमको नहीं पता हम और चले भी नहीं पता यहाँ से जाना कहाँ है। हम यहाँ से थोड़ा इधर को देखते हैं, मेरे को लग रहा आगे गए यहाँ से। हम चलेंगे इधर को, चलो आगे को चला, आगे को चला, देखते कहाँ पहुँचते। घर जा रहे भैया, घर नहीं जा रहे। हाँ जा, तुम सही जगह जा रहे। आप आए नहीं क्या पहले? आज ही आ रहा मैं पहली बार। ओ दिख गया, दिख गया। ये है हमारा स्विमिंग पूल। हाँ दिखावे हमारे साथ के वहाँ पे तीनों चारों भाई लोग मोटे। गाइस क्या बोल रही, स्विमिंग पूल है यहाँ पे, पानी नहीं है।
सब टूरिस्ट ही हैं। बाहर तो बरामद हो रही है गाड़ी ना।